राउरकेला शहर के ब्रह्माणी क्लब के प्रांगण में मलेरिया अनुसंधान केंद्र कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुब्रत पटनायक की अध्यक्षता में शनिवार को एक प्रेस मीट का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों को बताया गया कि प्रकल्प कर्मचारी संघ ने राउरकेला स्थित राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र में यहां की कर्मचारियों के स्थानांतरण का विरोध किया है। प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की। ब्रह्माणी क्लब परिसर में आयोजित प्रेस मीट में मलेरिया कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुब्रत पटनायक समेत अन्य पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में मलेरिया अनुसंधान केंद्र के राउरकेला में हर हाल में की वकालत की और यहां मलेरिया केंद्र के रहने के फायदे गिनाए। उल्लेखनीय है कि राउरकेला मलेरिया अनुसंधान केंद्र को रांची ले जाने की योजना चल रही है, जिसका चौतरफा विरोध किया जा रहा है। हमारे राउरकेला मलेरिया रिसर्च सेंटर एम्प्लॉइज एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूं। आज आपने केंद्र सरकार को मलेरिया के ऊपर में जो निशाना साधा है, क्या क्या वजह है? कोई निशाना मैंने नहीं साधा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहयोग से ये सेंटर यहां स्थापित हुआ था। आज भी जो बेरोजगार जो आदमी थे, आज का दिन हमारे 60 एम्प्लॉई थे, उनको जो बेरोजगार को रोजगार मिला था वो केंद्र सरकार का देन था, राज्य सरकार का देन था। लेकिन आज ये कंटिन्यू 1988 साल से ये स्थापना हुआ था। आज 2020 हो रहा है। ये 2020 के अंदर 30 साल के अंदर में हमारे कर्मचारी ने जितना प्रकार मलेरिया पर रिसर्च किया और जितना प्रकार दिया रिपोर्ट दिया, आज नंबर वन हमारा सेंटर बना था। इस सेंटर को कोशिश बार बार किया गया था कि यहाँ से मर्ज करने के लिए, जो कि हमने उच्चतम न्यायालय का भी सहयोग लिया था, स्टे करके रखा था, उसके बाद केंद्र सरकार का सहयोग लिया था, राज्य सरकार का सहयोग लेकर के अभी तक हम लोगों इसको टालते आ रहे थे। लेकिन आज केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री अपने हर्षवर्धन जी, हमारे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे प्रताप षडंगी जी का और सांसद ज्वेल ओराम जी का नेतृत्व में, हम लोगों विधायक शारदा प्रसाद राय के नेतृत्व में हम लोगों रिप्रेजेंटेशन किए थे, देश का प्रधानमंत्री, राज्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, सबको अनुरोध किए थे सेंटर को रखने के लिए। ये 2018 से 40 चल रहा था कि इसको हटाने के लिए, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जा करके उसका पर इंक्वायरी होने से पहले ही मेरे को जितना लग रहा है कि ये जानबूझ के डिपार्टमेंट का ICMR का जो डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी ने इसको गवर्नमेंट को ना बताते हुए ये एक्शन किया है, जो हमारे लिए बड़ा दुखद बात है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का सहयोग से माननीय केंद्र मंत्री, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अनुरोध करते हैं कि हमारा ये जो सेंटर जैसा राउरकेला में था वो रहना चाहिए। क्यों ना, सुंदरगढ़ जिला आज एक आदिवासी जिला है जहाँ पर मलेरिया का कंट्रोल का बाहर में। हमने पूरा उड़ीसा के जो तर्जमा के साल भर में कंटिन्यू ब्लड टेस्ट कर रहे थे, 70 लाख, 45 लाख, 40 लाख, उसमें 3-4 लाख, 5 लाख आदमी निकल रहे थे जो डिजीज लेके मलेरिया का, उसमें कई एक साल 77 आदमी, कई साल अभी धीरे धीरे 7-8 आदमी मरने का। क्यों ना, हमारे स्टाफ ने रिसर्च करके जो मेडिसिन सरकार को जो मेडिसिन सरकार ने रिसर्च करके दिया उसका पर बहुत सा चीज़ को कंट्रोल हुआ। लेकिन ये टोटल मलेरिया, ये केंद्र सरकार का मेडिसिन था, राज्य सरकार का भी सहयोग था, जितना मॉस्किटो नेट वुड सब जो दे रहे थे सारे केंद्र सरकार ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं।